मैं मेला समिति के सभी सदस्यों को मैं अपने तरफ से ग्वालियर की जनता की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, समस्त जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए। दशहरा हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं, दशहरा हमारे लिए केवल एक धार्मिक महत्व का दिवस नहीं, लेकिन उस दशहरे के मूल्य और सिद्धांत को हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन उन मूल्य और सिद्धांतों को अपने आत्मा के समक्ष रखकर अपने जीवन का पूरा पूरा योगदान हमें अपने जीवन में करना होगा। और क्या सिद्धांत ये धार्मिक उत्सव हमें सिखाता है, जो आज मंच पर हमें देखने को मिला। कला, संस्कृति और धर्म तीनों का संयोग बनाकर जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक मूल्य और सिद्धांत निर्धारित करता है कि अपने जीवन को जियो तो सत्यता के आधार पर जियो, अपने जीवन को जियो तो अन्याय के विरुद्ध सदैव अपनी आवाज उठाकर न्याय दिलाने की कोशिश करो। और आज के संदर्भ में हमारे जीवन में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने बार हम अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द, अपने दाएं और बाएं अन्याय होते हुए देखते हैं, लेकिन उंगली नहीं उठाते, आवाज नहीं उठाते। हमारे हिंदू धर्म की एक सोच विचारधारा है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठना चाहिए कि अगर हमारे परिजनों के विरुद्ध अन्याय हो तो क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? और अगर उसका उत्तर हो हां, तो फिर वासुदेव कुटुंबकम अगर हमारी सोच विचारधारा है तो पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर कोई गरीब हो, अगर कोई इंसान हो जिसे राहत की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो वह हाथ आगे करके तो मदद हमें देना होगा ताकि एक संयुक्त परिवार इस विश्व का हमारा बन पाए। सत्य के ऊपर असत्य की जीत हो, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हो, और हमारे जीवन में जो असूल हैं, अगर उन मर्यादों पर, उन असूलों पर अगर आ जाए तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है। ये हमारे हिंदू धर्म की सत्यता है, हमारे हिंदू धर्म की आधारशिला है। और आज इस दशहरे के दिवस पर जब सत्य की असत्य के ऊपर जीत होगी, अपने तरफ से मेरी ग्वालियर के सारे समस्त परिवार के जनों को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और भगवान राम से, पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम से यही पूजा अर्चना करता हूं और आशा और अभिलाषा करता हूं कि हमारे जीवन में सदैव सुख लाएं, हमारे जीवन में सदैव आदर्शों पर चलने की प्रेरणा हमें दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।